हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज हम इस वीडियो में एटम के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, और एक तरीके से कह सकते हो कि आप केमिस्ट्री का जो पूरा आपका बेस है, जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री फर्म होती है, पूरा बेस उसका रेडी होता है, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल थोड़ा सा भी कहीं से भी स्किप ना करो आप, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं गारंटीड हूँ इस बात के लेकर कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा समझते हो, देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, और हो सकता है आप इस वीडियो को किसी और बच्चों के साथ भी रिफ़र करो, उनको शेयर करोगे, ताकि उनका भी केमिस्ट्री का बेस बिल्कुल सही बने। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड हर चीज़ का डिटेल बताऊंगा, कैसे एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और कैसे कंपाउंड में वैलेंसी का शेयरिंग होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ऑलमोस्ट मतलब हर चीज़ यहाँ पर डिस्कशन होगी, इवन मोल तक का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बने, बट इस वीडियो को आप प्रॉपरली पूरा देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वैसे तो क्लास 9 का जो एनसीईआरटी सिलेबस है, अब उसके अंदर से हम थोड़ा सा बात करें, तो वहाँ पे आपके पास दो चैप्टर हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, और दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। जनरली सारे स्कूल्स क्या करते हैं कि ये दोनों चैप्टर आपका सेकेंड टर्म में कंटिन्यू होता है, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, हर बार ये चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में ही कंटिन्यू करा लेता हूँ। ये मैं चैप्टर हर बच्चों को मैं फर्स्ट टर्म में ही कंटिन्यू कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा केमिस्ट्री का बेस उनका सही से बन जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं जो यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कशन करूँगा, तो एक तरीके से अगर जो बच्चे नाइन्थ वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इनके ये चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल उनके बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं आता हूँ सीधा पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एटम के बारे में, ठीक है, एटम के बारे में। फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, फिर हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, और फिर कंपाउंड के बारे में। वैसे तो मुझे इसके साथ साथ आपको मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में बता ही देना चाहिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम मिक्सचर और सॉल्यूशन को डिस्कस करें, ठीक है। चलिए, तो वैसे तो क्लास 9 की बुक में काफ़ी सारे जो फिलोसोफर्स हैं, या आप केमिस्ट बोल सकते हो, उन्होंने एटम के बारे में काफ़ी सारे अपनी खुद की राइज दिए हुए हैं। उन्होंने खुद ने अपने रिसर्च करके कुछ न कुछ उन्होंने बोला हुआ है कि एटम में ये होता है, एटम इस तरीके से दिखता है, एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, एटम इतने पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। हर एक साइंटिस्ट आते हैं और अपनी अपनी खुद के रिसर्च के अकॉर्डिंग वो अपने क्या करते हैं, एटम के बारे में कुछ वो बताते हैं, और फिर एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को चैलेंज करता है, उनकी मॉडल को लिमिटेशन में डाल देते हैं, और फर्दर ये क्या होता है, एक तरीके से एटम का इवोल्यूशन चलता रहा, और फाइनली हमारे पास काफ़ी सारे केमिस्ट का जो रिसर्च लगा, हमारे पास फाइनली एटम का मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड की पूरी सीरीज बन के हमारे पास रेडी होती है। और हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो अभी काफ़ी सारे अभी विवाद में भी है, अभी इसके ऊपर चैलेंजेस भी चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले कोई टाइम में इसको कोई चैलेंज भी कर दे, ठीक है। तो अभी तक का जो कुछ भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में जा रहे हैं, ठीक है। तो एटम के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, जॉन डाल्टन है, देन रदरफोर्ड है, नील बोर है, मॉसली है, ठीक है,
और ये अभी भी मतलब प्रोग्रेस में है, अभी भी कोई इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, तो शायद केमिस्ट्री कुछ और भी हो सकती, हम बोल नहीं सकते, ठीक है। बट अभी तक की केमिस्ट्री क्या है उसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। तो चलिए, अभी केमिस्ट्री है मतलब स्टडी ऑफ केमिकल्स, और स्टडी ऑफ केमिकल्स आप जब घर बनाते हो तो आप क्या लाते हो, पहले सबसे पहले ब्रिक्स लाते हो, राइट। बिल्कुल, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो शुरुआत कहाँ से करोगे, एटम से। तो अभी एटम क्या होता है मैं बता दूँ आपको, एटम मतलब ऐसी कोई छोटी से छोटी चीज़ जिसको आप आगे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब बोल सकते हैं कि इससे छोटी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, इससे छोटी कोई चीज़ है ही नहीं। बट अभी हमारे साइंटिस्ट भाई इतने क्यूरियस होते हैं इसके बारे में समझने में कि हमने क्या कर दिया है कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, एटम इतनी छोटी चीज़ है कि जिसको तोड़कर उसको आगे फर्दर आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। फिर भी हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एटम के अंदर क्या है वो देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले एटम का डेफिनेशन देखेंगे। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी नॉन लिविंग, लिखना सही रहेगा यहाँ पे, नॉन लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि लिविंग के लिए तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लिविंग के लिए क्या होता है, स्मॉलेस्ट उनका फंडामेंटल पार्टिकल क्या रहेगा, सेल रहेगा, ठीक है। तो एटम मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आगे नहीं तोड़ा जाए, और हर चीज़, हर नॉन लिविंग थिंग्स एटम में से बनी हुई है। जैसा आपका घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे हर नॉन लिविंग थिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए, एटम चाहिए। होप सो आप समझ गए होगे, काफ़ी आसान चीज़ है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है सोचने में। चलिए, मान लिया अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे एटम है, फिर यहाँ पे दो एटम है, फिर यहाँ पे तीन एटम है, और यहाँ पे चार एटम है। चलिए, फिर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एटम लिया है और एक एटम मैंने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ा सा समझना इसको, जब तक ये एटम अकेला है इसको हम बोलेंगे एटम, जब ये एटम ग्रुप बना लेते हैं तो इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। बट इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, दो एटम हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। मतलब एटोमिसिटी का मतलब उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में कितने एटम हैं। चलिए देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप बना, ये भी मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी कितनी बनेगी इसकी, एटोमिसिटी बन जाएगी इसकी 3 बन जाएगी। चलिए, यहाँ पे भी ग्रुप है, ये भी मॉलिक्यूल बनेगा, और एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए, अब सेम, ये भी एटम है, ये आप देख सकते हो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, और इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल तो है बट इसमें एटम कैसे हैं, सेम काइंड ऑफ एटम है। देखो ब्लू एटम है तो दोनों में ब्लू एटम, यहाँ पे भी एटम कैसे हैं, सेम काइंड है, एक जैसे हैं, ग्रुप में सेम, जैसे मतलब सारे बच्चे रेड कलर के टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे ब्लू कलर के टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, सेम काइंड ऑफ एटम है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हो, सेम काइंड ऑफ एटम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल तो हैं ही, ग्रुप मतलब मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में हो सकता है 2 एटम हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप, एक सिंपल ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप में हो सकते हैं सारे बच्चे एक कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हों,
या हो सकता है ग्रुप के अंदर सारे बच्चे अलग अलग कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हों। तो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर रेड और ब्लू वाली टी शर्ट है, मतलब रेड और ब्लू वाले एटम, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम नहीं है, सेम काइंड ऑफ एटम नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कंपाउंड। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए जैसे ले लिया मैंने हाइड्रोजन, फिर ले लिया मैंने H2 और फिर ले लिया मैंने H2O। ठीक है, चलो ये तो क्या हो गया, एटम हो गया। अब देखो इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के, मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया, बट ये सेम एटम है इसलिए एलिमेंट हो जाएगा। ये भी मॉलिक्यूल है तीन एटम वाला, बट इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम हैं, तो ये क्या क्या होगा, मॉलिक्यूल तो है बट क्या है, कंपाउंड है। चलिए 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 थोड़ा सा एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। जैसे बात करें H2O2 N3 N2O3 H2O NaCl, ठीक है, फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, फिर N2, ठीक है, और फिर बात करें सोडियम Cl2, मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारे मतलब आपको नाम थोड़े हैवी लग रहे होंगे, बट अभी थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसमें H और H मतलब ये मॉलिक्यूल तो है, बट इसमें सेम एटम है तो क्या बनेगा, एलिमेंट। इसमें देखो O2 है, मतलब O और O ग्रुप तो है, मॉलिक्यूल है, बट सेम एलिमेंट है, सेम एटम्स हैं मतलब एलिमेंट। इसमें भी N, N और N तीन है, ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल है बट इसमें तीन एक जैसे हैं मतलब एलिमेंट, एलिमेंट बन जाएगा। अच्छा इसमें देखो टोटल कितने हैं, दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन, मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं, मॉलिक्यूल तो है ग्रुप बनाया हुआ इसीलिए, बट यहाँ पे एटम सेम नहीं है इसीलिए क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड सेम, यहाँ पे एच एच और ओ मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो ये मॉलिक्यूल तो है ग्रुप बनाया है बट कंपाउंड। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल तो है बट कौन सा है, एलिमेंट। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल है बट एलिमेंट। यहाँ पे देखो अकेला सोडियम अकेला ही है तो ये क्या होगा, एटम होगा, ग्रुप ही नहीं बना, एलिमेंट की बात ही नहीं होगी, मॉलिक्यूल की बात ही नहीं होगी। क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप बन गया, मॉलिक्यूल तो है बट सेम एटम है, एलिमेंट। यहाँ पे अकेला मैग्नीशियम बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा एटम। तो बच्चा लोग यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही से हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, किसे एलिमेंट किसे मॉलिक्यूल किसे कंपाउंड बोलना है, ऐसा लग रहा है मुझे और आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे एटम और एलिमेंट की, एटम और एलिमेंट की। ठीक है चलिए, अब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है एटम के बारे में जो बोला है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ें कैसी हैं कि आप, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बस आप दिमाग में उसको उतारते जाइए, ठीक है, वरना आप सोचोगे कि भाई ये कैसे आया, तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते आप शायद साइंटिस्ट बन जाओ। ठीक है, तो अच्छा यही है कि आप, उन्होंने बोला है आप मानते चलो। एटम ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उन्होंने बोला हमने मान लिया ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, दूसरा इट इज़ मेड बाय थ्री स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स। एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। साथ में एक और चीज़ याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल चार्ज, उसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये न्यूट्रल है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा अब एक बात याद रखनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं। सुनते जाइए, आगे समझाऊंगा मैं सारा कुछ। एटॉमिक मास बनाते हैं जिसको हम ए से दिखाते हैं, और ये एटॉमिक मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा, सर एक मिनट, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, तो ठीक है ये भी बता देते हैं, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एटम के सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में होता है। कैसे, क्वेश्चन मार्क लगाइए, आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, किसके आजू बाजू में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के आजू बाजू में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एटम के सेंटर में होता है, एटम के सेंटर में है। जैसे हमारा अर्थ है वो सन के आजू बाजू में घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन घूमने के कितने रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने कितने ऑर्बिट में घूमता है, तो बता देते हैं आपको, आपके सिलेबस में सिर्फ के एल एम और एन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने के चार रास्ते होते हैं, बट वैसे तो देखा जाए तो टोटल सात रास्ते होते हैं जिनको हम शेल बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का एन वैल्यू कितना होता है, वन। सेकंड ऑर्बिट का एन वैल्यू कितना होता है, टू। थर्ड ऑर्बिट का एन वैल्यू कितना होता है, थ्री। और फोर्थ ऑर्बिट का एन वैल्यू कितना होता है, फोर, ठीक है। अच्छा सर पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो भर सकते हो आप। दूसरे में कितने भर सकते हो, आठ भर सकते हो। तीसरे में कितने भर सकते हो, सोलह भर सकते हो। बट सोलह के सोलह भरोगे तो एटम अनडिस्टर्ब हो जाएगा, उसका बैलेंस चला जाएगा, तो हम क्या भरते हैं, इसके अंदर आठ ही भरते हैं। और चौथे में हम 32 भर सकते हैं, बट हम कितने भरते हैं, उसके अंदर 18 या कभी कभी 16 भी भरते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपको क्या रखना है, फर्स्ट वाली ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली में आठ इलेक्ट्रॉन, चौथी वाली में 18 इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा के एल एम और एन। इसकी कैपेसिटी दो की है, इसकी कैपेसिटी आठ की है, इसकी कैपेसिटी आठ की है, और इसकी कैपेसिटी 18 की है, ठीक है। ये आपका हर जगह पे लगेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ये तो सारी बातें जो लोगों ने कही हमने मानी। अब मैं इस सब चीज़ का आपको एक एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ताकि बिल्कुल एक सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए अब एटम का हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर, एटम दिखता कैसा है, उसका फोटो कैसा होगा, ठीक है। एटम के अंदर एटम कैसा दिखता है या एटम किस तरीके से होता है हम देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले, अरे भाई साहब एक और चीज़ बताना भूल गए, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला है कि एटम एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है, एटम एक फुटबॉल ग्राउंड की तरह है, जहाँ फुटबॉल रखा जाता है वो न्यूक्लियस है, और जहाँ पे फुटबॉल्स के आगे पीछे, आगे फुटबॉल के आगे पीछे जो प्लेयर खेलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, फिर उसके आजू बाजू में क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। ये पहली ऑर्बिट है जिसमें हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसको हम ऐसे डॉट करके दिखाते हैं। फिर ये दूसरी ऑर्बिट है, अभी हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आप इसको कंसिडर करके चलिए। दूसरी ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम ऐसे फिलअप करते हैं। चलिए और तीसरी ऑर्बिट का आपको मैंने बताया था कैपेसिटी कितनी होती है, एक दो
चार, पाँच, छः, सात और आठ। होती कैपेसिटी कितनी है? 16 होती है, बट 18 होती है, बट हम कितने भरते हैं उसके अंदर? 3 3 9 और 9 2 18, 18 होती है, बट हम किसमें भरते हैं इसको? 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस ऑर्बिट का नाम है के ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का नाम है एल ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का नाम है एम ऑर्बिट। ठीक है, अब इसके बाहर एक और ऑर्बिट आएगी, मैं ड्रॉ नहीं करूँगा इसको अभी, क्योंकि हाथ से ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्फेरिकल शेप है इसीलिए। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी हमने कितनी ली थी? 32 था। ठीक है, बट हम इसमें कितने भरते हैं? 18 भरते हैं। और इस ऑर्बिट का नाम क्या है? जी के एल, और ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको इस न्यूक्लियस के बारे में बता दूं। ये न्यूक्लियस में क्या होगा? जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठे होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में हमेशा जोड़ी बना के बैठते हैं, ऐसे पैर बना के बैठते हैं। ठीक है, जो ब्लू वाला है वो प्रोटॉन है, और जो रेड वाला है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। जब ये दोनों ग्रुप बना के बैठते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, तो इनकी इस जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, उनकी हम जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही क्या बनाते हैं? उसका एटॉमिक मास बनाते हैं, ठीक है। जनरली रिलेशन क्या होती है? एटॉमिक मास है, ठीक है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और जो एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब सीरियल नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और रिलेशन इसको हम किसे दिखाते हैं? जेड से दिखाते हैं, और इसको हम ए से दिखाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे एटॉमिक मास है वो नियर अबाउट, सब में नहीं बोल सकते, नियर अबाउट इसके अकॉर्डिंग होता है। ये आपको 80% हर जगह पे लग जाएगा। अगर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो आप क्या कर दो? एटॉमिक नंबर का डबल कर दो। ठीक है, एटॉमिक नंबर का डबल कर दो। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन नहीं की है, नियर अबाउट बोला है, मतलब ये 80% में लग जाएगा। बाकी सब में आपको मास थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो मास एटॉमिक नंबर का डबल नहीं बन पाता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपके यहाँ पे हल्की हल्की सी थोड़ी सी आइडिया बन गई होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। अब चलिए वापस इसके ऊपर आते हैं। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम तीन चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक मास बनता है। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कुछ फिक्स रास्ते होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को के नाम दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। सेकेंड ऑर्बिट को एल कहा जाता है, जिसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। फिर थर्ड ऑर्बिट को एम कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी 16 है बट 8 भरते हैं हम, 18 होती है बट 8 भरते हैं। और फोर्थ वाली ऑर्बिट का नाम एन है, जिसकी कैपेसिटी 32 है बट उसके अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। टोटल आइडियली जितने होते हैं इतने हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, क्योंकि एटम क्या हो जाएगा? बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो स्टेबल नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ बता दूँ, बच्चे फिर पूछेंगे कि सर आपने ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 कैसे रखा, सेकंड में 8 कैसे रखा? तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिलेशन बनाई थी किसने? नील बोहर ने, जो उन्होंने कहा था कि 2n² फार्मूला लगा लो आप। ठीक है, उसमें n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अगर आप k की बात करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो मुझे पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2n² अब आपको पता है k के लिए n की वैल्यू कितनी है,
वन है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा वन, ठीक है। फिर आप देख सकते हो एक्सपोनेंट का रिलेशन है, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन होता है टू, ठीक है। तो आपको फिर समझ में आया कि के के अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। चलो एम के लिए चेक करते हैं, के एल के लिए चेक करते हैं। अब एल में चेक करना है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसकी एन वैल्यू कितनी है, टू है, रख के देखते हैं। टू एन स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, और ये आ गया आपका एट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि एल में आपके एट इलेक्ट्रॉन आएंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप एम में एन में चेक कर सकते हो, एन में आपके 18 आ जाएंगे, भरते 8 हैं, एन में आपका 32 आ जाएगा, भरते 18 हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको नीचे इस डायग्राम के अंदर पूरा समझाया कि एटम दिखता कैसे है, ठीक है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। और अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक नंबर का आप डबल कर दीजिए, बट ये रिलेशन हर जगह पे काम नहीं लगेगी। कहाँ काम नहीं लगेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी तक के केमिस्ट्री में टोटल 119 तक एटम्स या एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर दी गई है, ठीक है। बट आपको इतना पूरा डिटेल नहीं करना है, 1 से 20 एलिमेंट आपको आने चाहिए, ठीक है। अब 9th और 10th की केमिस्ट्री के लिए 1 से 20 एलिमेंट आपको आने चाहिए। तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में 1 से 20 एलिमेंट के नाम, उनका वैलेंसी चार्ट जब कैसे निकालते हैं, वो हम इस आगे के वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। पार्ट टू के लिए आप इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से पार्ट टू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट टू के अंदर।